हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद, वेब डिज़ाइनिंग टूल्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस लेक्चर में हम फोटोशॉप में कैसे वर्क करते हैं, उसका क्या इंटरफेस होता है, कैसे आप एक फ़ाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, एडिट करते हैं, डिफरेंट टूल्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन सभी फ़ीचर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंट इमेज एडिटिंग टूल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको बताया गया था कौन कौन से टूल्स होते हैं जो इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट फेमिलियर टूल है फोटोशॉप। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें गेटिंग फैमिलियर विद फोटोशॉप, फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है एंड प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। आप वर्क स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से आप जो है अपना कार्य स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इमेज को क्रिएट करते हैं न्यू इमेज को, या फिर एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम डिफरेंट मेन्यूज जो जो भी अवेलेबल होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सभी देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फोटोशॉप के इंटरफेस से। कुछ इस तरीके का फोटोशॉप का इंटरफेस होता है जनरली, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप में मेन्यू बार दिया होता है यहाँ से, एंड देन ये मेन्यू बार दिया हुआ है यहाँ से, इसको मेन्यू बार कहते हैं। टूल्स ऑप्शंस बार, दिस वन इज़ टूल्स ऑप्शंस बार। टूल बॉक्स, दिस इज़ कॉल्ड टूल बॉक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, एंड ये सभी आपके डिफरेंट पैलेट्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग पैलेट्स होते हैं, जिसको आप विंडो में जाके अगर सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पैलेट को तो वो ओपन हो जाता है। दीज ऑल आर फ्लोटिंग पैलेट्स, पैलेट वॉल ये कहलाती है, जैसे कि कलर पैलेट, स्वेचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैलेट्स जो कि अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ अडोब फोटोशॉप CS3 का वर्ज़न है। इसमें आप देख सकते हैं ये टॉप पर जो दिया गया है ये आपका मेन्यू बार है, यहाँ से ये सारे मेन्यूज़ यहाँ अवेलेबल हैं, और दिस वन इज़ टूल टूल बार, टूल बॉक्स, सभी टूल्स इसमें यहाँ अवेलेबल हैं, एंड ये पैलेट्स यहाँ से हैं। आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड है जिस पे टिक है किया गया है, सभी लेयर्स पैलेट यहाँ से ओपन है। आप नीचे आप देख सकते हैं लेयर्स, चैनल्स एंड पाथ्स, उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन ऑप्शंस पैलेट, टूल्स, टूल्स पैलेट ओपन है, कलर पैलेट, यहाँ से कलर, स्वेचेस, स्टाइल्स, ये सब इसमें जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड हैं वो सब यहाँ से आपको शो करेंगे। पर्टिकुलर आपको अगर पैलेट को देखना है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रशेस पैलेट पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ से ब्रशेस पैलेट ओपन हो जाते हैं। ये भी आपको जो है ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं, हाईलाइटेड नहीं है, बिकॉज यहाँ से अभी आपके वर्क स्पेस पे कोई भी फाइल ओपन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, इसलिए इस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। कलर पैलेट है, इसको स्वेचेस पैलेट होते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट ऑलरेडी अवेलेबल स्वेचेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स दिए होते हैं। इसी तरीके से लेयर्स यहाँ से क्रिएट की जाती हैं, चैनल्स होते हैं, पाथ्स होते हैं। तो इस तरीके से फोटोशॉप का इंटरफेस होता है, डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। पहले मैं आपको PPT से जो है डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो आप कैसे जो है स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है, एक आपके ऑप्शन पास ऑप्शन होगा कैसे आप न्यू इमेज को क्रिएट करते हैं करेंगे एंड उसके में आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, एंड सेकंड ऑप्शन जो अवेलेबल होगा तो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग इमेज को आप एडिट करेंगे, ओपन करेंगे एंड एडिट करेंगे। तो न्यू इमेज को क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले स्टेप वन है क्लिक फाइल सेलेक्ट न्यू। तो इस तरीके से एक विंडो अपीयर होती है, जैसे आप फाइल पे क्लिक करके न्यू को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप उसको नेम दे सकते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं, कस्टम विड्थ हाइट जो कि पिक्सल्स में होती है, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंटेंट्स उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होगा या कोई कलर देना है या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेनी है, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
जैसे कि टाइप ए नेम फॉर योर वर्क इन द नेम बॉक्स एंड डिसाइड द साइज ऑफ योर वर्क। तो अब हम देखते हैं यहाँ से फाइल न्यू, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, आप कंट्रोल एन भी यूज कर सकते हैं। फाइल एंड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी, नेम में अनटाइटल्ड वन शो कर रहा है, तो हम यहाँ न्यू फाइल, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज डिफॉल्ट सिलेक्टेड है यहाँ पे, प्रीसेट विड्थ हाइट डिफॉल्ट सेंटीमीटर में सिलेक्टेड है, आप यहाँ से पिक्सल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंचेस भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर पॉइंट से भी टाइप पिक्सल्स ही कराते हैं, पिकास एंड कॉलम्स, ये सभी यहाँ से डायमेंशंस के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ से सेंटीमीटर सिलेक्टेड है, रेजोल्यूशन 28 सिलेक्टेड है यहाँ से पिक्सल पर सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसको पिक्सल्स में लेते हैं एंड रेजोल्यूशन सेट करते हैं 72, जो कि वेब के लिए एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है। कलर मोड यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको बिट मैप इमेज बनानी है या ग्रे स्केल बनानी है या आरजीबी कलर स्कीम सेट करनी है उसमें, या फिर CMYK और लैब कलर्स, जो भी कलर स्कीम आपको सेट करनी है यहाँ से आप ले सकते हैं। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। बैकग्राउंड कंटेंट आपको बैकग्राउंड कलर देना है या वाइट बैकग्राउंड लेनी है या ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज हम वाइट बैकग्राउंड ही लेकर चलते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं जिसमें कलर प्रोफाइल्स एंड पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो दिया होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो अभी हम स्टार्टिंग के लिए इसको सेट करके ओके करते हैं। तो इस तरीके से एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है आपकी, एंड यू कैन सी कि जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से वाइट है। सेकेंड ऑप्शन होता है एडिटिंग एग्जिस्टिंग इमेज, एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ओपन, और जो भी आपकी सैम्पल फाइल होगी, फॉर एग्जांपल माय पिक्चर्स में सैम्पल डॉट जेपीजी आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको ओपन करा देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को पर्टिकुलर लोकेशन पर सर्च करेंगे एंड जस्ट सिंपली ओपन करेंगे, तो वो आपकी पर्टिकुलर इमेज फाइल वहाँ से ओपन हो जाती है। अब देखते हैं मेन्यू के बारे में। अडोब फोटोशॉप में जो टॉप पे दिया होता है ये कहलाता है मेन्यू बार। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट वन है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प, ये सभी इसमें ऑप्शंस मेन्यूज़ दिए हुए होते हैं मेन्यू बार के अंदर। तो इन मेन्यूज़ के अंदर बहुत सारे जो है आइटम्स होते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस मेन्यूज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फाइल मेन्यू की बात करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल पे, सबसे पहले न्यू ऑप्शन जिसको अभी हमने यूज़ किया है एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। ओपन करने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन को सेलेक्ट करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। ब्राउज अगर करना है तो शिफ्ट कंट्रोल ओ, ओपन एज, क्लोज करना है विंडो को तो कंट्रोल डब्ल्यू, सेव एज, सेव, सेव फॉर वेब, ये सारी जो है कमांड्स हैं जो कि ऑप्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेव, सेव एज एंड सेव फॉर वेब में क्या डिफरेंस होता है, सेव जो होता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको सेव कराता है, उसी उसी जो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसका जो पर्टिकुलर आपका का एक्सटेंशन होगा वो उसी के फॉर्मेट में उसको फाइल फॉर्मेट में सेव कराएगा। एंड सेव एज क्या होता है, एक न्यू फाइल आप सेव एज करके आप एक न्यू फाइल सेव करते हैं एंड उसमें आप जो है एक्सटेंशन डिफरेंट एक्सटेंशन उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव फॉर वेब, सेव अ इमेज एज ए फॉर्म ऑफ डॉट जे पी जी और डॉट जिफ विच इज़ यूज फॉर वेब इमेज, अगर वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए एक वेब इमेज क्रिएट करने के लिए आप सेव फॉर वेब ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपको दिए होते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन। इम्पोर्ट ब्रिंग्स अनदर इमेज इन टू द कैनवस यू आर वर्किंग, जो कैनवस जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई इमेज इम्पोर्ट करनी है तो आप इम्पोर्ट इमेज का यूज़ करेंगे, एंड एक्सपोर्ट
सेंडिंग द इमेज यू आर वर्किंग टू अदर एप्लीकेशंस, आपकी इमेज को दूसरी एप्लीकेशंस में सेंड करने के लिए एक्सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी, प्रिंट विद प्रीव्यू, पेज सेटअप ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप पेज सेटअप करके प्रिंट कर सकते हैं, फाइल इन्फो ऑप्शन होता है, वर्क ग्रुप ऑप्शन होता है, ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेट ऑप्शन होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलते हैं, जो कि जनरली कॉमनली अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू भी यू मस्ट ऑल फैमिलियर अबाउट एडिट, एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ से एडिट मेन्यू आपका इमेज को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले अंडू ब्रश टूल, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, ये कॉमन ऑप्शंस हैं, फेड ब्रश टूल, तो ये सभी ब्रश टूल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं एडिटिंग के लिए। तो अंडू, स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यानी कि अंडू यानी कैंसिल द लास्ट वर्क, जो भी आपने अभी कुछ भी एडिटिंग की है, लास्ट वर्क किया है, मॉडिफिकेशन किया है, उसको कैंसिल करने के लिए। स्टेप फॉरवर्ड यानी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच यू डिड, एंड स्टेप बैकवर्ड यानी मूव टू द प्रीवियस स्टेज विच यू डिड। स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यू ऑल नो कि एक स्टेप आगे बढ़ना और एक स्टेप पीछे हटना। इसके अलावा यहाँ से कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस होते हैं, आपको मिलेंगे। कट कॉपी पेस्ट सिमिलरली वर्क करते हैं जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होते हैं। कट यानी गेट रिड ऑफ ए पार्ट ऑफ विच यू सेलेक्ट, कोई भी आप सिलेक्शन अगर करते हैं इमेज पे और उसको कट करना है तो वहाँ से वो कट हो जाएगा। कॉपी यानी ए पार्ट यू सेलेक्ट, जो भी सिलेक्शन होगा आपका उसको कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड यूज़ होती है। पेस्ट एंड अटैच द पार्ट यू कॉपी, जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ से कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, स्पेल चेकिंग के लिए, फिल ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स यहाँ दिए होते हैं, डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न, पर्ज, कलर सेटिंग्स, प्रीसेट मैनेजर, इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा फाइल मेन्यू था जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वही सारे ऑप्शंस हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में अंडू, कट कॉपी पेस्ट, फिल, कलर सेटिंग्स, मेन्यूज, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे अभी ग्रेड नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अभी कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है इमेज में, इस किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसमें कुछ क्रिएट करके एंड सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये आपका जो फ्री ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म टूल है वो आपका हाईलाइटेड हो गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, जैसे कि स्केलिंग, रोटेशन, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वार्प, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो इट मीन्स जो भी आपकी इमेज दी हुई है उस इमेज में पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को आप जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म में आप फ्रीली उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सारी ऑप्शंस यहाँ से आप इसमें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये सब ये ऑप्शंस भी यहाँ आपको हाईलाइट नज़र आ रहे हैं कट कॉपी पेस्ट के लिए, ठीक है। स्टेप बैकवर्ड ये सब। तो थर्ड वाला जो आपका मेन्यू है वो कहलाता है इमेज। इमेज के अंदर आप इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपकी इमेज फॉर एग्जांपल जब हमने इमेज न्यू क्रिएट की थी तो उसमें आरजीबी कलर मोड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ ये आपको शो कर रहा है। तो इसको अगर आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंडेक्स कलर, लैब कलर, या अदर इसमें चेंज करने हैं 8 बिट्स में। 32 बिट की हमने इमेज ली थी आरजीबी कलर में प्रोफाइल में, अगर आपको इसको 8 बिट या 16 बिट में यूज़ करना है तो आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो लेवल्स, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर, ह्यू सेचुरेशन, डी सेचुरेट, फोटो फिल्टर। इसी तरीके से अगर किसी इमेज का डुप्लीकेट बनाना है तो आप डुप्लीकेट यहाँ से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं मोड, एडजस्टमेंट, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशंस, इमेज साइज, कैनवस साइज, रोटेट कैनवस, ट्रिम, हिस्टोग्राम, ये सभी ऑप्शंस हैं। तो मोड क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट करता है टाइप ऑफ कलर को, किस कलर जो कि आपका मोड डिफाइन करता है, जैसे कि आरजीबी, बिट मैप इमेजेस, CMYK, ये सभी आपका मोड सिलेक्शन होता है यहाँ से। तो इमेज साइज, सेकंड आप इमेज साइज सेट कर सकते हैं, कैनवस साइज सेट कर सकते हैं, इमेज साइज चेंजेस द साइज ऑफ द इमेज, आप इमेज साइज से
साइज़ जो भी इमेज का साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। कैनवस साइज़ से आप कैनवस के साइज़ को चेंज कर सकते हैं एंड रोटेट कैनवस से आप चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर कैनवस। तो लेट्स सी ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से इमेज मेन्यू पे आप जाएंगे तो मोड, यहाँ से आप ये जो इमेज इस वक्त ओपन है ये ग्रे स्केल मोड में आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी आरजीबी इमेज होती आप उसको ग्रे स्केल कर सकते थे, आप इसको ये ऑलरेडी ग्रे स्केल है। ठीक है, तो सेकंड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जैसे कि लेवल्स, ऑटो लेवल्स, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। यहाँ से आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से लेवल्स इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस अगर कॉन्ट्रास्ट हम इसका इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में इफेक्ट आया है। एंड बिकॉज ये ग्रे स्केल है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है। तो लेवल्स से आप लेवल सेट कर सकते हैं इमेज का आउटपुट लेवल्स। वो डिफरेंट डिफरेंट जैसा कि इमेज में जो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से इस तरीके से आप जो है लेवल्स कलर लेवल्स को अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सुटेबल होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ऑटो लेवल्स करने से इमेज ऑटोमेटिक जो है उसमें सेट हो जाती है। एडजस्टमेंट ऑटो लेवल्स बेस्ट, जो भी ऑटो बेस्ट उसके लिए लेवल होते हैं वही ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर इमेज पे वर्क करते हैं तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसकी पहले डुप्लीकेट इमेज क्रिएट कर लें। जैसे डुप्लीकेट इमेज स्क्वायर डॉट पी एन जी इमेज थी तो ये स्क्वायर डॉट कॉपी इमेज डुप्लीकेट इमेज इसकी यहाँ से ओपन हो जाती है। जिससे क्या होगा आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो सेव रहेगी। ओरिजिनल इमेज में जो भी आप मॉडिफिकेशंस करेंगे वो चेंजेस नहीं आएंगे और वो सब आपकी डुप्लीकेट इमेज पे आप अपना वर्कआउट करेंगे। तो हमेशा आपकी जो ओरिजिनल इमेज होगी वो प्रिजर्व रहेगी। इसके बाद आप इसे सेव करा सकते हैं सेव एज ऑप्शन के साथ, जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव कराना है। इस तरीके से आप डुप्लीकेट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इमेज साइज आप इसका चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ से 300 पिक्सल्स एंड हाइट भी 300 पिक्सल्स विड्थ एंड हाइट सेलेक्टेड है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 300 को अगर हम 600 कर देते हैं फॉर एग्जांपल तो ऑटोमेटिकली हाइट भी इंक्रीज हो गई। ये इसलिए कि क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सेलेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये जो है चेन वाला सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स अगर आप एक चीज़ को वेरी करोगे तो सेम प्रोपोर्शन में कॉन्स्टेंटली आपकी हाइट भी वेरी हो जाएगी। अगर आप हाइट वेरी करते हैं तो आपकी विड्थ वेरी हो जाएगी। तो अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन हटा देते हैं तो आप ये देखिएगा यहाँ से ये भी आपका डिसअपियर हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप विड्थ में चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल तो आपका हाइट में चेंज नहीं होगा, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है इस तरीके से इमेज। तो इमेज को डिसप्रोपोर्शनेट होने से बचाने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का। अगर हम इसकी इमेज का साइज लेट 300 से इसको डबल कर देते हैं तो यहाँ पे 600 कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज लार्ज हो गई, साइज इंक्रीज हो जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपका कैनवस साइज को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कैनवस साइज को चेंज कर सकते हैं। तो लेट सी इसमें हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे सेंटीमीटर ये 21 सेंटीमीटर कैनवस साइज सिलेक्टेड है। हम इसको 30 करते हैं, विड्थ भी 30 एंड हाइट भी 30 ओवरऑल। ओके, आप देख सकते हैं कि कैनवस इसका जो इमेज का जो कैनवस है पूरा कंप्लीट कैनवस ये आपका जो है साइज इंक्रीज हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं कैनवस साइज के बाद आप रोटेट कर सकते हैं कैनवस को। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आपके इमेज मेन्यू में आपको दिए होते हैं। नेक्स्ट है लेयर मेन्यू। लेयर मेन्यू में क्या होता है कि आप जब भी लेयर्स पे वर्क करते हैं लेयर पैलेट पे वर्क करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत होती है। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, लेयर को डिलीट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं।
तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड फिल लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं। लेट्स सी, यहाँ से आपका ये लेयर्स पैलेट होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ से अभी ये सिंगल लेयर इमेज आपको शो कर रही है, ठीक है। आप इसमें न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लेयर वन, एक और लेयर क्रिएट हो गई यहाँ से, एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी आप इसमें लेयर में जाकर, न्यू में जाके न्यू लेयर, लेयर थ्री, यहाँ से आप लेयर का को रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज लेयर थ्री न्यू हम इसको देते हैं नेम, कोई पर्टिकुलर कलर अगर आपको देना है आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप यहाँ से लेयर का कलर सेट कर सकते हैं। ये सब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए होता है, जैसे आपको याद रहे कि किस लेयर पे आपका क्या वर्क है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है एक ग्रास वाली एक जो है लेयर बनानी है तो आपको उसमें ग्रीन कलर दे देंगे, ठीक है, एंड उसका नाम रख देंगे कि इसमें आपने ग्रास लगाई हुई है इमेज में, एंड ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है। तो लेयर्स में जो ये भी आप आई वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इससे आप लेयर को पर्टिकुलर हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर हिडन हो जाएगी, और आप फिर अगर आपको इसे ओपन करना है तो ये ओपन हो जाएगी। ये आपके यहाँ से बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को भी आप सिमिलरली अगर हाइड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, आपकी स्क्रीन पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाती है, आ गई। जो भी इसकी इमेज थी वो हिडन फॉर्म में चली गई, हाइड हो चुकी है, और ये स्क्रीन अब आपको ट्रांसपेरेंट शो कर रही है। फिफ्थ मेन्यू है फिल्टर मेन्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है समझने के लिए, जानने के लिए, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो फिल्टर मेन्यू में आपको बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स दिए जाते हैं जो कि टेक्निकली इमेज को पे डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए यूज़ होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स होते हैं यहाँ से, जैसे कि सबसे पहले आर्टिस्टिक फिल्टर्स की कैटेगरी है। आर्टिस्टिक फिल्टर ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत से आपको फिल्टर्स मिलेंगे। सेट ऑफ फिल्टर्स इंक्लूड्स कलर्ड पेंसिल, पेंट, टॉप्स, स्मज स्टिक, वाटर कलर, कट आउट एंड अंडर पेंटिंग। यूजिंग वन ऑफ दीज फिल्टर्स विल मेक योर इमेज लुक लाइक इट वॉज क्रिएटेड बाई एन आर्टिस्ट। ये सभी फिल्टर्स यूज करके आप अपनी इमेज को इस तरीके से उस पर इफेक्ट दे सकते हैं जैसे कि वो आर्टिस्टिक इमेज हो, किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हो इमेज हो। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए आप आर्टिस्टिक फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट फिल्टर्स होते हैं, डिस्टॉर्ट फिल्टर्स अदर सेट ऑफ फिल्टर्स लेट्स यू डिस्टॉर्ट योर इमेज इन क्रिएटिव वेज। जो इमेज होगी उसको क्रिएटिव तरीके से थोड़ा डिस्टॉर्शन उसमें दिया जाता है जिससे कि वो बहुत जो है इफेक्ट उसका बहुत प्लीजिंग लगता है। द डिस्टॉर्ट फिल्टर्स इंक्लूड ओशन रिपल्स, जैसे रिपल्स फॉर्म में अगर डिस्टॉर्ट करते हैं कहीं ग्लास, स्फेराइज, ट्वर्ल, वेव एंड जिगजैग, तो इस तरीके से इमेजेस में डिस्टॉर्ट इफेक्ट दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका टेक्सचर फिल्टर। डिस्टॉर्ट फिल्टर ब्रश स्ट्रोक ब्लर इफेक्ट देने के लिए ब्लर फिल्टर यूज़ होता है। पिक्सलेट फिल्टर में जो पिक्सलाइट पिक्सल्स वाले जो इफेक्ट दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी न्यूज़ चैनल्स में कोई किसी का इमेज में किसी का फेस शो नहीं करना होता है, किसी क्रिमिनल का या किसी लेडी का फेस शो नहीं करना होता है, तो उसको हिडन करने के लिए उसमें पिक्सल्स बने हुए आते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज में यहाँ से वो पिक्सलाइट इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेक्सचर फिल्टर्स होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ फिल्टर्स इन फोटोशॉप इज द टेक्सचर ग्रुप। इट अलाउज यू टू मैनिपुलेट योर इमेज बाय एडिंग टेक्सचर टू इट, इंक्लूडिंग ग्रेन, स्टेन, ग्लास एंड पैचवर्क। टेक्सचर फिल्टर का यूज आप करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को अपनी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेन टेक्सचर हो गया, ग्लास टेक्सचर हो गया, वुड टेक्सचर, पैचवर्क। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स को अपनी इमेज में अप्लाई करने के लिए आप टेक्सचर फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी फिल्टर्स हैं जैसे कि स्टाइलाइज फिल्टर, यहाँ से स्टाइलाइज फिल्टर दिए होते हैं। अनदर पॉपुलर सेट ऑफ फिल्टर्स इज कॉल्ड द स्टाइलाइज ग्रुप। इट अलाउज यूजर्स टू स्टाइलाइज देयर इमेज बाई एम्बॉसिंग, डिफ्यूजिंग, एक्सट्रूडिंग, सोलराइजिंग, फाइंडिंग द एजेस एंड अ फ्यू अदर डिस्टिंक्ट ऑप्शंस। स्केच फिल्टर्स आपको स्केचिंग टाइप का इफेक्ट देने के लिए यूज़ किए कर सकते हैं। स्केच ग्रुप ऑफ फिल्टर्स मेक्स योर इमेज अपीयर टू बी क्रिएटेड बाय एन आर्टिस्ट। इट इंक्लूड्स चॉक,
चारकोल, ग्राफिक पेन, प्लास्टर, स्टैम्प एंड वाटर पेपर। तो ये सभी इफेक्ट्स जो होंगे वो आपके स्केच फिल्टर में कवर होते हैं। तो ये थे आपके फिल्टर मेन्यू। इसके बाद सिक्स मेन्यू है आपका व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आप सभी जैसे कि जानते हैं कि जूम इन जूम आउट फीचर्स होते हैं, जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या इमेज व्यूइंग सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रिंट साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्राज, एक्स्ट्रा शोइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बाय डिवाइडिंग इनटू सेपरेट सेक्टर्स। फिट ऑन स्क्रीन ऑप्शन होता है, पिक्सल प्रिंट साइज, एक्स्ट्राज, रूलर्स आप यहाँ से अपनी इमेज में रूलर्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो रूलर्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। गाइड्स होती हैं, आप लॉक कर सकते हैं उनको, क्लियर कर सकते हैं, न्यू गाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके व्यू में, व्यू पैनल में दिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवन है विंडोज़ मेन्यू। विंडोज़ मेन्यू में द सेम फंक्शंस विद व्यू इन द विंडोज एप्लीकेशन सच एज एमएस ऑफिस। जैसे एमएस ऑफिस में जो व्यूज वाला फंक्शंस होते हैं वो है विंडोज़ में दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ से विंडोज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी डिफरेंट जितने भी पैलेट्स होते हैं वो सभी को खोलने के लिए आप जैसे टूल्स पैलेट्स चाहिए, ऑप्शंस, कलर्स, हिस्ट्री, लेयर्स, जो भी आपको विंडो आपको अपनी स्क्रीन पे जिसमें वर्क करना है, जो जिसकी नेसेसिटी है, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा क्लटर अगर हो जाता है स्क्रीन, आपका वर्किंग स्पेस कम हो जाता है, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा विंडोज़ को रिमूव भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैलेट्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जस्ट उसको आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ से टिक जो है वो रिमूव हो जाएगा। यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू मेक विजिबल ऑन योर पेज एंड व्हाट यू डोंट वांट टू मेक विजिबल ऑन योर पेज। तो ये था आज हम मैंने बेसिकली आपको फोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। फोटोशॉप में आप कैसे, क्या उसका इंटरफेस होता है, इंटरफेस इंटरफेस का इंट्रोडक्शन, उसमें मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ होते हैं, उन मेन्यूज़ के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आप उनसे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल कवर द टूल बार्स ऑप्शंस। टूल बार्स के अंदर जितने भी टूल्स अवेलेबल होते होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन थैंक यू।